प्रदेश हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज का एक माह भीतर दूसरी बार चक्का जाम होने से जहां यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं निजी बसों और निजी यात्री वाहन मालिक यात्रियों से न केवल निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूल रहे हैं बल्कि उनका व्यवहार भी बदल जाता है। बुधवार को मोर्चा द्वारा प्रदेश भर के डिपुओं और सब डिपुओं का पूरा चक्का जाम नजर आया। संजीव जी, आज मैं देख रही हूँ पूरा सुनसान एरिया हो रहा है गोहाना उपकेंद्र का, किस मांग को लेके आप यहाँ बैठे हैं? मैडम जी, ऐसा है, हमारी मंत्री जी से भी 3-4 बार वार्तालाप हुई सांझे मोर्चे की, जो हमारी डिमांड थी उन पे चर्चा हुई, जिन पे सहमति बनी थी, जो 4-5 डिमांड थी वो भी आज तक सरकार ने लागू नहीं। उसके बाद हमने 24 दिसंबर को लागू न होने की एवज में हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कराया करनाल के अंदर 24 दिसंबर। उसके बाद ODCM ने हमारे को आश्वासन दिया कि भी सीएम से हम 10 जनवरी तक आपकी वार्तालाप बात करवा देंगे, जो भी आपकी डिमांड है उन पर चर्चा करवा देंगे। वो 10 जनवरी भी जारी मैडम जी, आज 24 जनवरी है। हमने उस दिन एक धरना स्थल पर हमने घोषणा कर दी थी, अगर सरकार हमारे से बातचीत नहीं करती है तो आने वाली हम 24 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर डिपो के अंदर सब डिपो के अंदर चक्का जाम कर देंगे। तो ये घोषित थी आज? हाँ बिल्कुल घोषित थी, बिल्कुल 2-3 महीने से हमारी प्रक्रिया चल रही है, 6 महीने चल रही है हमारी प्रक्रिया। तो आज तक भी सरकार ने हमारे से बातचीत के लिए नहीं बुलाया। तो हमारी जो मांगे थी डिमांड जायज मांगे थी, 8 साल का हमारा बोनस है दिवाली का, ना तो आज तक वो दिया सरकार ने। जो हमारी ये छुट्टी थी, जो कटौती की गई 1995 से लेकर आज तक, जो कंट्रेक्टर में बैठा हो तो कुछ लेकर नहीं जाएगा, उसको जो 300 छुट्टियां पैसा मिलता है, जो मतलब हमारी जायज मांगे हैं उन्हीं पे कटौती सरकार करती जा रही है, कुठारघात करती है, नए नए फरमान तुगलक की फरमान जारी करती रहती है, फिर डिमांडे पूरी नहीं होती। 2000 के चालक 2016 में लगे थे, उनकी पक्की भर्ती वाली बात थी, जो कच्चे लगे थे ना तो आज तक वो पक्की हो लिए है, ना हमारे 8 महीने बोनस था वो था, ये छुट्टी थी जो हमारे कैलेंडर के दरवे 54 छुट्टी, जैसे हमारी 52 छुट्टियाँ होती है सरकारी कैलेंडर में, हमारे को सिर्फ 8 ही छुट्टी मिलती है पूरे साल के अंदर, हॉलीडे मिलते हैं। हमारे दिवाली है, जैसे होली है, कई जो भी बड़े त्यौहार है, सिर्फ बड़े त्यौहारों की 8 ही छुट्टी मिलती है हमारे को, और कोई छुट्टी नहीं मिलती, चाहे हमारे यहाँ पे सर्दी है गर्मी है कैसा ही मौसम है, ना हमारे को जो जोखिम भत्ता होता है, जैसे पुलिस को 5000 रुपये जोखिम भत्ता मिलता है, ना हमारे को मिलता है। बहुत सी ऐसी कर्मचारियों डिमांड है, जैसे भत्ते को लेकर, ड्राइवर कनेक्टर का जो पे ग्रेड को लेकर है, उन पे जो हमारे एक 18 सूत्री मांग पर एक मांग पत्र था, उन पर हमने चर्चा करनी थी, तो सरकार हमारे से बातचीत नहीं कर रही। हमने आज उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर अपना चक्का जाम किया। अगर सरकार बातचीत कर, पूरा नाम क्या सब? मैं संजीव स्वामी, साझा मोर्चा गढ़। इस कड़ी में गोहाना में भी यात्री रोडवेज की बसों के बिना हाफते परेशान होते दिखाई दिए। तड़के 4 बजे ही कर्मचारियों ने उपकेंद्र संस्थान पर पहुंचकर जाम को सफल बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। कर्मचारियों का दावा है कि सरकार से टेबल पर बात होती है लेकिन उनकी मांगों को जायज मानकर भी बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे साथ अशोक खोखर जी भी हैं। अशोक खोखर जी नमस्कार, आप किस बैनर के तले ये जो आपका जो साझा मोर्चा का पूरा नाम बताएं मुझे? प्रदेश का साझा मोर्चा है जो कर्मचारियों का, जिसमें प्रदेश की सारी यूनियन शामिल है जी, उसके बैनर नीचे ये आज का जो पूरी प्रदेश में चक्का जाम है। तो सुबह से भी कोई बस नहीं चली? नहीं, कोई एक भी बस निकली है, सारा पूरा पूर्ण चक्का जाम, 100% जाम है। तो ये तमाम डिपो पे भी है आपके पास? और भी सूचना आई होंगी? सभी डिपो में, सब डिपो में, सब जगह पूरा चक्का जाम है। तो क्यों नहीं कर रही सरकार बात आपसे? देखिए, सरकार जो टेबल पर वार्ता होती है, हमारी मांग जायज मांगती है, मांगे होती है जायज है, लेकिन जब लेटर बात करने, लेटर जारी करने की बात होती है तो लेटर जारी नहीं करती है। अच्छा, हमारी पे ग्रेड की बात है। अब मेजर काम बात बताएं मुझे, आप मेजर जो डिमांड है आपकी, हमारी पे ग्रेड की बात है जी, हमारा अच्छा। बोनस है पेंडिंग 6-7 साल का जी, हमारा ईल छुट्टी कटौती का मैटर है, इंटर्न रन का जो कानून बनाया है, किसान लेवा के ड्राइवरों के लिए बहुत खतरनाक है जी, हमारी पुरानी पेंशन का जो मैटर है जी, और हमारे 2016 चालक जो है उनको पकड़ लेने की बात है, नई बसें लेने की बात है, और 165 रूट परमिट जो निजीकरण की सरकार बढ़ावा दे रही है, और इलेक्ट्रिक बसें जो ले रही है, इसके विरोध में आज प्रदेश का पूरा कर्मचारी 17,000 कर्मचारी। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल भी है मेरा, इस तरह की मांगों को लेके कर्मचारी बिल्कुल आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधान वगैरह हैं वो जाके सरकार की गोद में बैठ जाते हैं और अपने निजी काम के लिए वो फिर पूरी यूनियन को तबाह कर देते हैं। हमारे मोर्चे के अंदर
10 संगठन हैं और उसमें प्रदेश के महासचिव सचिव 20 आदमी उतने सारे प्रधान के महासचिव सारे 200 आदमी पूरे डेडिकेटेड हैं। पिछले एक साल से पीएसटीआ घेराव किया, मंत्रियाँ घेराव किया, मुख्यमंत्रियाँ घेराव किया, पूरे आंदोलन घेराव रहे हैं और हर बार जो है पूरा अपनी बातों को पूरा तर्क से रखते हैं। जो हमारा ईद छुट्टियाँ में मैटर है उसमें हमारा 28-29 छुट्टी बनती है हॉलीडे, हमारे को 8 ही मिलती है, किस्तों हमारी बुक होती है। 5 डे वीक में 52 हमारे सैटरडे बनते हैं। हमने अभी इस मीटिंग में क्लियर बात करी थी कि हमारे 52 सैटरडे और 21 हमारी जो हॉलीडे वो दो हमारे को हम बेहतर छुट्टी छोड़ गए जब हम 15वीं ये ले रहे थे। तो ये जो साझा मोर्चा है जो आपने 10 संगठन बताए उनमें से है ये साझा मोर्चा में? बिल्कुल जी, पूरे सारे सक्रिय सदस्य हैं और पूरे बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, ईमानदार लोग हैं और पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से और सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो जो आज आपने ये चक्का जाम किया, अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो अगली रणनीति क्या तय हो चुकी है? जल्दी मीटिंग करेंगे, पूरा सारे बैठ कर मीटिंग करेंगे। मतलब अभी वो रणनीति तय नहीं हुई है? नहीं, अभी 4 बजे मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस करेंगे वीडियो कॉल के हिसाब से और अगली अनिश्चितकाल भी हड़ताल जा सकती है। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये हड़ताल जो है अनिश्चितकाल भी हम ले सकते हैं। जगत महान न्यूज ने चक्का जाम पर कर्मचारी नेता अशोक खोकर समेत अन्य कर्मचारी नेताओं से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आज के चक्का जाम के पीछे क्या कारण रहे। आप भी प्रवक्ता के तौर पर बड़े मुखर होके डिपार्टमेंट की बात रखते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण बागड़ी है जी। कृष्ण बागड़ी जी, एक बार प्रवक्ता होने के नाते आप भी मुझे दो बात बताएं जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बार बार सरकार की हठधर्मिता के कारण, वापस कदम हटाने के कारण, वादा खिलाफी के कारण पिछले महीने की 24 तारीख को ओएसडी सीएम ओएसडी ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि 10 जनवरी तक आपकी मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग करा दी जाएगी। वो लिखित में देने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक, आप आज मान कर चलो कि एक महीना हो गया, कोई भी सूचना हमें नहीं दी, न कोई मिलने का आश्वासन, न कुछ और। तो हम चाहते हैं कम से कम, देखो बातचीत से ही समाधान निकलता है, कोई भी समस्या है उसको हम बातचीत, डायलॉग होता है, जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। हमें बुलाए नहीं रहे, हम ऐसा है सरकार के नुमाइंदे हैं सभी, तो सर उनका भी फर्ज बनता है कि हमें टेबल पर बिठाए, हमारी जो समस्याएं हैं उनको साझा करें, उनको सुलझाएं, ये मुखिया का कार्य होता है। बिल्कुल तो, होता है, लेकिन बार बार इस तरह से स्ट्राइक पर जाने से मैं बाहर देख रही थी कि लोगों को परेशानी और जो जिस प्राइवेट निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाने लग रहे हैं जिस दिन आपकी हड़ताल होती है। मैं मानता हूँ इस बात को, ऐसा है कर्मचारी कभी भी स्ट्राइक पर जाने की नहीं सोचता। आप ये बात बिल्कुल सोचो कि कर्मचारी कभी भी ये नहीं चाहता कि जनता परेशान हो। हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, हम चाहते हैं कि समाज में, अब ये जो बहुत सारे मांगे हैं ये समाज से रिलेटेड ही तो हैं। गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।